never made it, but I know what it takes. Some motivated. Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want to get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell a feeling. Hello, namaste, sat sri akal, dosto. Welcome back to another weekend vlog. सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करता हूं कि ये जो दशहरा है आपकी ज़िंदगी में नई रौनक, नई उमंग लेकर आएगा. तो आज हम लोग आ पहुंचे हैं सुला विनयार्ड्स में. तो नासिक में रहने वाले लोग तो यहां पे ज़रूर आए होंगे, और नासिक क्या बाहर से भी लोग यहां पे आते हैं क्योंकि काफ़ी पॉपुलर जगह है. तो चलिए आज आपको हम सुला का पूरा टूर करके दिखाएंगे. तो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स बिगिन. तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हमको टूर करवाने वाले हैं कि वाइन एग्जैक्टली बनती कैसे है. तो मैं और मम्मी पापा भी हम अंदर जाने वाले हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन होगा अंदर. वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको दिखा सकूँ. तो चलिए अभी चलते हैं अंदर. सो गाइस, ये जो मशीन आप देख रहे हो इसको कहते हैं क्रशर. तो जब अंगूरों को इसके अंदर डालते हैं, ग्रीन अंगूर को, ब्लैक अंगूर को, तो इसके अंदर वो पहले क्रश होते हैं. ये जो लंबे लंबे सिलेंडर्स आप देख रहे हैं, तो क्रशर में से सारा का सारा जूस इन सिलेंडर्स में डाला जाता है, और इसके अंदर इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं. उन बड़े बड़े सिलेंडर्स में से सारा जूस निकाल के इन बैरल्स भरा जाता है, और फिर इन बैरल्स को काफ़ी सालों तक के लिए प्रिजर्व किया जाता है. तो आपको अंदर जाके दिखाते हैं. तो ये है वो एरिया जहाँ पे इन बैरल्स को प्रिजर्व किया जाता है सालों साल, और एयर कंडीशन्ड एरिया है ये सारा का सारा, और एकदम डार्क है. यहाँ पे लाइट बहुत ही कम थी, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे बैरल्स रखे हुए हैं.
फ्रेंड्स, यहाँ पे द सोर्स, ये जो जगह है, यहाँ पे अगर किसी को रूम लेना है और वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो इसकी बुकिंग जो है वो सिर्फ ऑनलाइन हो सकती है, यहाँ पे आप कुछ भी बुक नहीं कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको रुकना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग पहले ही ऑनलाइन चेक इट आउट और वहाँ से ही बुकिंग करके आइए आप यहाँ पे। तो गाइज़, ये है इनका लॉन एरिया। यहाँ पे अगर आपको रिसेप्शन पार्टी करनी है या कोई और पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी, सो दिस इज़ द प्लेस। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चला है यहाँ से जाने का। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ गया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।